नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस 27 साल पुरानी BMW को स्कैन करने की कोशिश करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए यार वीडियो को शुरू करते हैं। So this is our 1996 BMW 525 TDS with the manual transmission। गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप अभी भी एरर देख सकते हो। प्री हीटिंग का यहाँ पर एरर है, चेक ब्रेक लाइट्स, सेल्फ लेवल सस्पेंशन, चेक पार्क लाइट्स, तो काफी सारे एरर हैं जो इस गाड़ी के अंदर आते हैं, चेक टेल लाइट्स। तो ये सारे एरर को आप स्कैन भी कर सकते हो। यूजुअली आपका OBD2 स्कैनर जो आजकल गाड़ियों में, वो यहाँ पर लोकेटेड होगा। तो जितनी भी मॉडर्न कार्स हैं उसमें यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको OBD2 स्कैनर मिल जाएगा। तो ये भी एक स्कैनर है, यहाँ पर आप अपना OBD लगा सकते हो जो कि फर्स्ट जनरेशन वाला आता था, बट इससे आप इंजन मैनेजमेंट को या इंजन के मॉड्यूल है उसको आप चेक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कनेक्टर दिखा देता हूँ। ये लॉन्च का एक प्रोफेशनल ग्रेड स्कैनर, और इसके साथ आपको बहुत सारे इसके अडेप्टर मिलते हैं जो कि OBD जितनी भी आई है आज तक सारी गाड़ियों के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास OBD 2 के, और जितने भी आज तक स्कैनर के लिए यहाँ पर आप वायर देख सकते हो आई हैं, वो सारी अवेलेबल हैं इस किट के अंदर। इस किट में से हमको ढूंढना है जो हमारी गाड़ी के ऊपर स्कैनर लग सकता है। तो पहले की गाड़ियों में 1996 के अराउंड जितनी भी गाड़ियां हैं, BMW, Mercedes या कोई भी है, वो उसके अंदर अगर इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स को आप एक्सेस कर सकते थे तो वो यूजुअली इंजन बे के अंदर होते थे। इंजन में देखने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मेरे को OBD जैसा कुछ लग रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट OBD आए थे वो इस टाइप के होते थे। और मैं यहाँ पर इसका जो कैप है उसको रिमूव कर देता हूँ, एंड दिस इज OBD पोर्ट जहां से हम गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। तो हमारी जो किट है उसमें से हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सा अडेप्टर है जो हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो जो शेप है उस हिसाब से तो ये अडेप्टर यहां पर लगना चाहिए, और लगाकर देखते हैं कि हम इसको यहां पर इस पोर्ट के अंदर फिट कर सकते हैं या नहीं। वी कैन फिट दिस अडेप्टर, और आई थिंक दिस इज द करेक्ट अडेप्टर फॉर दिस कार, क्योंकि इसका जो सेंटर में ग्रूव है वो एग्जैक्टली मैच होता है इससे। ऑल्दो हमारा जो OBD1 का अडेप्टर है यहाँ पर लग गया है गाड़ी के अंदर, बट इसके पीछे भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीरियल पोर्ट है, जो कि एक और अटैचमेंट चाहिए होगी हमको OBD2 को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को फाइनली राइट केबल मिल गई है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है OBD1 अडेप्टर, और जो आगे का कनेक्टर है उसके ऊपर B20 लिखा हुआ है। अगर किसी और को भी ये BMW स्कैन करनी है तो ये अडेप्टर है इस गाड़ी के लिए। तो उसके बाद यहाँ से जो अडेप्टर आता है उसको हम हमारे OBD2 अडेप्टर के अंदर फाइनली लगा सकते हैं। और ये रहा इसका टैब जिसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये लॉन्च का एक प्रोफेशनल ग्रेड स्कैनर है जो कि अभी लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर। और यहाँ पर ये जो VGA केबल है इसकी, उसको मैं टाइट कर देता हूँ ताकि कनेक्शन वो बीच में लूज ना करे। उसके बाद मैं इसके जो अडेप्टर है OBD1 का जो अडेप्टर है उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। और देख सकते हो एक स्कैन करने के लिए इसके अंदर कितनी सारी चीजें हमको ज्वाइन करनी पड़ती है। ये OBD2 का अडेप्टर है, मेन ब्रेन है इस टैबलेट का। तो गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन पर करने के बाद अब हम इस टैबलेट से इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सर्च पर जाना, और यहाँ पर आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इस गाड़ी की। ये BMW E39 है, 84,000 किलोमीटर चली हुई है ओरिजिनल। इट इज अ 525 TDS, और ये एक फैक्ट्री मैनुअल गेयर बॉक्स है, राइट हैंड ड्राइव। इवन की यहाँ पर ओरिजिन भी पता चल जाता है कि ये कौन सी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुई थी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ये 1996 का मॉडल है, 10th मंथ का। उसके बाद आपको हेल्थ रिपोर्ट पर जाना है। ये सारे मॉड्यूल्स को गाड़ी के स्कैन करेगा फॉर एरर कोड्स। इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है तो यू हैव टू बी पेशेंट। ऑल्दो मैंने यहाँ पर ये फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आपको ये सब देखना ना पड़े। तो स्कैन करने के बाद यूजुअली आपको सारे एरर कोड्स एक लाइन में यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो ग्लो पीरियड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाईजर, 2 key नॉट डिटेक्टेड, व्हील स्पीड सेंसर वायर, फ्रंट लेफ्ट फॉल्टी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का व्हील सेंसर है वो खराब है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे कोड्स हैं इस गाड़ी के लिए जो भी फिलहाल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी 5 एरर यहाँ पर देख सकते हो आप, उसके सामने लिखा है 5। बॉडी बस का एरर है, फॉल्ट एंट्री फॉर इंटरनल फॉल्ट इन लाइट मॉड्यूल, गोंग टोन, जो मतलब हमारी सीट बेल्ट की टोन होती है उसको यूजुअली गोंग बोलते हैं इसके अंदर। स्पीड सिग्नल फ्रॉम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ऑल्दो इसका स्पीड का मीटर चलता है, आवाज आती है जब आप गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो यूजुअली उसको ये गोंग बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड का एयरबैग हमने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है, ऑल्दो राइट साइड के एयरबैग का भी एरर आ रहा है इसके अंदर। तो राइट के जो सैटेलाइट सेंसर हैं दोनों साइड के एयरबैग के लिए, उनका भी एरर आ रहा है। सबसे पहला एरर है AUC सेंसर, और दूसरा है सेंसर ब्लोअर। तो इसकी ब्लोअर मोटर है वो एक जगह पर स्टक है, और वहां पर एक बी का नेस्ट भी था, तो आई थिंक जो ब्लोअर मोटर है वो खराब है इस गाड़ी की। लाइट स्विच कंट्रोल में भी एरर है,
और LCM या LCZ के अंदर भी यहाँ पर एरर हैं, 10 एरर हैं इसके अंदर। कनेक्शन टू ट्रेलर मॉड्यूल, थर्मल सेंसर फॉर ऑयल लेवल डिफेक्ट, एरर वाइल कंट्रोलिंग HVA डिवाइस, चेक ब्रेक फ्लूइड। ये ब्रेक फ्लूइड का एरर तो जब आया होगा, जब इसकी क्लच लीक हो रही थी तो इसके अंदर जो ब्रेक फ्लूइड है वो खत्म हो गया था। तो ये एक बार भी अगर ऐसा कोई इशू आता है तो गाड़ी के अंदर ही एरर स्टोर हो जाते हैं जब तक आप उनको क्लियर नहीं करते हो। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का भी एरर है, लेवल कंट्रोल सिस्टम का भी एरर है, क्योंकि इसके अंदर पीछे सेल्फ लेवल सस्पेंशन आता था रियर के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो इंजन ऑयल लेवल का सेंसर का एरर है और कूलेंट लेवल का एरर है। कभी भी कोई गाड़ी एरर बनाती है या कभी भी कोई फॉल्ट आता है, बेशक उसको आप ठीक कर दो, जब तक आप क्लियर नहीं करते हो वो उसकी एक एंट्री रहती है। उसके बाद DSP के अंदर एरर है, यहाँ पर जो इसके स्पीकर हैं वो सारे खराब हैं ऑलमोस्ट, तो उसका एरर आना ऑब्वियस है। उसके बाद इन एरर को हमको क्लियर करना होता है, तो जो हमारे एरर कोड्स होंगे, जो कि घोस्ट एरर्स बोल देते हैं कई बार, जो प्लग अनप्लग करने पर चीजों के आ जाते हैं, तो वो अब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जितने भी मेन फॉल्ट्स हैं या मेन प्रॉब्लम्स हैं गाड़ी के अंदर वो एरर्स इसके अंदर रह जाएंगे। तो हमको यहाँ पर क्लियर DTC यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, लोअर राइट हैंड साइड के अंदर, उसको हमको क्लिक करना है टू इरेज ऑल दीज एरर कोड्स। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम स्कैनिंग लिखा आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर धीरे धीरे जो भी फॉल्ट्स हैं वो अगर परमानेंट कोड्स नहीं होंगे तो वो सारे के सारे अब इरेज हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर तो गाड़ी जैसे ड्राइव करोगे आपको कोड्स दोबारा आ जाएंगे। क्लियर फॉल्ट कोड कम्प्लीटेड यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एरर मैसेज मिलता है, आफ्टर दिस प्रोसीजर फिनिशेज देर में बी अ वार्निंग लाइट और फॉल्ट कोड डिस्प्लेड अंटिल द व्हीकल हैज कंप्लीटेड अ रोड टेस्ट। कहने का मतलब यह है कि क्लियर करने के बाद भी अगर कोई एरर है गाड़ी के अंदर तो गाड़ी को एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाना पड़ेगा, अगर कोई इशू नहीं होगा तो वो एरर कोड अपने आप चला जाएगा। इसके ड्यूरिंग जो इग्निशन है वो स्विच ऑफ होगा अपने आप ही 10 सेकंड के लिए और दोबारा इग्निशन अपने आप ऑन हो जाएगा। यूजुअली ये BMW स्पेसिफिक है, यूजुअली जितने भी प्रोग्राम्स हैं या कंपनी का भी जो ISDA सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। क्लियर करने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ मेन कोड तो व्हील सेंसर का ही रहता है, व्हील स्पीड सेंसर का, जो कि फ्रंट लेफ्ट साइड का है, और नीचे पे देखने के बाद उसकी जो वायर्स हैं वो कटी हुई थी तो उसको भी जोड़ देंगे तो आई थिंक ये सेंसर काम करने लग जाएगा। लेवल कंट्रोल सिस्टम का एरर जो है उसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो शॉकर है वो किसी ने पहले रिप्लेस किए हुए हैं नॉर्मल सेटअप के अंदर, और स्पीकर का एरर है या जो नीचे डिजिटल साउंड प्रोसेसर लिख रहा है ये स्पीकर का एरर है, तो स्पीकर रिप्लेस करने पड़ेंगे गाड़ी के। उसके बाद आप काफी और चीजें कर सकते हो इसके अंदर, स्पेशल फंक्शन में जाकर बॉडी के अंदर जाकर यहाँ पर आप रीसेट कर सकते हो इसके सर्विस इंटरवल्स को, लाइव डाटा भी देख सकते हो। कोडिंग एंड प्रोग्राम के अंदर जाके आप यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस करते हो या इमोबिलाइजर रिप्लेस करते हो तो उसको आप यहाँ पर कोड कर सकते हो। सिस्टम सिलेक्शन के अंदर जाकर ECM और EWS जो इमोबिलाइजर है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो और उसके फीचर्स को अलग अलग देख सकते हो। उसके अंदर पार्ट नंबर आ जाएगा इसका, ECU का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ये डाटा भी यहाँ पर रीड कर सकते हो, इंडिविजुअल डाटा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कोई अगर आपको किसी की वोल्टेज चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद ECM के अंदर काफी सारे फंक्शन होते हैं, जैसे आपकी जो आइडल स्पीड होती है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर EGR है उसको एक्सेस कर सकते हो, और भी काफी चीजें हैं जो इसके अंदर हम ECU के अंदर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइडल स्पीड एडजस्टमेंट के अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो आइडल की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, काफी सारे फंक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पर बैक चले जाते हैं और जो हमारा इमोबिलाइजर है उसके अंदर जाकर देखते हैं। इमोबिलाइजर को भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे हार्डवेयर फंक्शंस यहाँ पर इसके आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक प्रोडक्शन डेट है वो आप ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। तो कंट्री का यहाँ पर कोड लिखा हुआ है DEU, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि ये कौन सी कंट्री है। कंस्ट्रक्शन डेट यहाँ पर देख सकते हो 1996 और 10th मंथ की है। इंजन का जो कोड है वो है M51। तो यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स आ जाती है गाड़ी की अगर आपको नहीं पता आपकी गाड़ी के बारे में। दिस वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम दुबई, तो यहाँ पर जो कंट्री है उसका जो कोड है DEU, मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओ कौन सी कंट्री है। तो उसके बाद एग्जिट कर देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा एरर कोड है वो सारे गाड़ी के अंदर अब रिमूव कर दिए हमने, और यहाँ पर मैं इसका जो OBD का पोर्ट है उसको रिमूव कर देता हूँ और इसका कैप वापस लगा देता हूँ ताकि OBD पोर्ट के अंदर ना जाए। तो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट अ मॉडर्न स्कैनर इन अ 27 ईयर ओल्ड BMW। अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है और उसको आपको स्कैन करना है तो ऐसे आप स्कैन कर सकते हो। इस टाइम के मर्सिडीज BMW सब के अंदर ऐसे आपको कनेक्टर मिलेंगे आई थिंक, और इससे आपकी गाड़ी के अंदर जो मेन इश्यूज हैं वो आप आसानी से डायग्नोज भी कर सकते हो। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना इसे वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।
there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.